एवरीवन, ब्यूटी नाइन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिससे मुहासे बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे और आपकी मुहासों की तकलीफ जो है दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो हम सबके घरों में अवेलेबल होते हैं और इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और किस तरीके से उन चीज़ों की मदद से हमारे पिंपल्स दूर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें, और साथ ही में नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला फेस पैक मुहासों के लिए हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पहली होम रेमेडी के लिए हमें लगेंगे दो इंग्रीडियंट्स, गुलाब जल और उसके साथ लवंग पाउडर। अब जो है आपको एक पेस्ट बना लेनी है इन दोनों की और अपने मुहासों पर आप इसे लगा लेंगे। दोस्तों अगर आप इसे अपने हाथों से मिक्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी समझ जाएगी। तो दोस्तों अब जहां पर भी आपको मुहासे हैं आप अपने मुहासों पर इसे लगा लेंगे, और अगर आपको पूरे चेहरे पर मुहासे हैं तो आप इसे फेस पैक के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लवंग पाउडर और उसके साथ गुलाब जल के मिक्सचर को चेहरे के जिस भी हिस्से में आपको मुहासे हैं वहां पर लगाएं, और अगर आपके पूरे चेहरे पर मुहासे हैं तो आप अपने पूरे चेहरे पर इसका इस्तेमाल एज अ फेस पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा मुहासे नहीं हैं, मुझे एक या दो पिंपल हैं पूरे चेहरे पर, तो मैं वहां पर जो है लगा लूंगी इस पैक को। दोस्तों हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। लवंग पाउडर का असर जो है वो गर्म होता है जो हमारे पिंपल को सूखा कर देता है, और सूखने के बाद जो है वो अपने आप निकल जाता है। और हमने गुलाब जल इसीलिए मिलाया है ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिले, क्योंकि लवंग पाउडर का असर जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, और कई बार चांसेस होते हैं कि एक्ने प्रोन स्किन पर लवंग लगाने से जो है चेहरे में जलन हो। तो दोस्तों इसीलिए हमने गुलाब जल का इस्तेमाल किया है। अब आपको इस फेस पैक को या आपने जितने भी एरिया में इसे लगाया है उसे सूखने दें, और उसके बाद आप इसे सादे पानी से धो लें। दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमारी दूसरी होम रेमेडी क्या है। दोस्तों दूसरी होम रेमेडी के लिए यहाँ पर हमें लगेंगे दो इंग्रेडिएंट्स, एलोवेरा जेल और जोजोबा ऑयल। एक बोल में हम एक चम्मच एलोवेरा जेल और दो से तीन बूंदे जोजोबा ऑयल की मिला लेंगे। दोस्तों ये एक चम्मच एलोवेरा जेल मैंने ले लिया है। अब दो से तीन बूंदे जोजोबा ऑयल। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑयल मिलाते ही जेल का कलर चेंज हो गया है। इस तरीके का कलर जो है आना चाहिए अगर आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपको नेचुरल एलोवेरा जेल मिले तो और भी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आपको जहां पर भी मुहासे हैं आप इस फेस पैक को, या फिर आप इसे जेल भी कह सकते हैं, जेल को चेहरे पर लगा लें। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी दूसरी होम रेमेडी में हमने मिलाया है एलोवेरा जेल और जोजोबा ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि मुहासे तो ऑयल
के कारण ही आते हैं, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी ही स्किन एक एक्ने प्रोन होती है, और मैं आपको ऑयल यूज करने के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। तो दोस्तों, जोजोबा ऑयल ऐसा ऑयल है जो बैक्टीरिया से फाइट करता है, और साथ ही में एलोवेरा जेल में मिक्स हो जाने के बाद उसकी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब एलोवेरा जो है आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, आपकी रेडनेस को कम करेगा, और साथ में जोजोबा ऑयल आपके फेस पे आए हुए पिंपल्स से लड़ेगा। तो दोस्तों, आप एलोवेरा जेल के जगह हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और अगर आप चाहें तो इस फेस पैक का इस्तेमाल अपने पूरे चेहरे पर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो जिस भी भाग में आपको मुहासे हैं आप उतने भाग में इस फेस पैक का यूज़ करें। आप इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ का रिजल्ट कैसा लगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।